कोई बाप किसी से निकलवाने के लिए कुछ जोग की जरूरत होती है। कहते हैं ना, मांगने वाला साइल अगर उसका होका और सदा अच्छी हो तो जो नहीं भी कुछ देना चाहता उसका भी दिल नरम हो जाता है। इसी तरह एक मिसाल दी है मैंने कि बयान करने वाला जब ये समझता है कि आगे जो हाजरीन और सामीन बैठे वो बात को समझ भी रहे हैं, शऊर भी है और दादो तासीम, तो वो जाती तौर पर कोई हासिल करने का मकसद नहीं होता, मकसद ये है कि बात को समझा जा रहा है। तो आप हजरात बाजोक होकर बैठे, हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा वक्त में उनसे सुन सके। हजरत तशरीफ लाते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस खान साहेब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مخلصي لله ومحبي في الله محسن ما حضرت علامہ قاری خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامع مسجد نگینہ اولڈم کے साहिब अकीदत व मोहब्बत बुज़ुर्गों दोस्तों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात व खिदमात पर कुछ गुजारिश करने का मौका फराहम किया। हज़रत शाह हमदान की शख्सियत और उनकी खिदमात का इजमाली तज़किरा हज़रत क़िबला क़ारी साहब ने फरमाया है। हज़रत शाह हमदान कश्मीरियों के कितने बड़े मोहसिन हैं, उनकी हयात और कश्मीर में आमद और खिदमात के तस्करे से ये बात वाज़े हो जाएगी। लेकिन बेशुमार कश्मीरी मुसलमान उनकी अजमत से आशना नहीं है। अहलुल्लाह का यूं भी तज़किरा वो अल्लाह की याद ताज़ा करने का एक ज़रिया है।
और यूं तो हर आदमी ये कहता है मेरी बात ही सबसे अच्छी है, मैं ही सबसे अच्छा हूं, लेकिन सबसे अच्छा वो है जिसको उसका पैदा करने वाला, उसका पालने वाला कहे कि ये सबसे अच्छा है। और जिसकी बात के लिए रब्बे कायनात ये कहे कि इसकी बात सबसे अच्छी है। हज़रत शाह हमदान की खिदमात के तज़किरे के हवाले से जो कुरान हकीम की आयत मुकद्दसा मैंने तिलावत की है, उसका तर्जमा समाअत फरमाने के बाद फिर आप हज़रत शाह हमदान की खिदमात का तज़किरा सुनेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, फरमाया मन अहसन कौला मिम्मन दाअ इलल्लाह, उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है, उस शख्स से बेहतर किसकी आवाज और किसकी निदा किसकी पुकार हो सकती है, मन दाअ इलल्लाह जो रब की तरफ ही बुलाता है, जिसकी जबान खुलती है तो या रब का नाम लेता है या रब की तरफ बुलाता है। और महज ये उसका जबानी कलामी अमल नहीं होता, ये लिप सर्विस नहीं होती, वह आमिला सालिह उसका अमल भी नेक होता है। जिस रब का नाम वो अपनी जबान से लेता है, जिस रब की तरफ वो दूसरों को बुलाता है, उसके रग और रेशे में उसी रब की मोहब्बत सरायत किए हुए होती है, उसके नशिस्तो बरखास्त से, उसकी रफ्तार और गुफ्तार से, उसकी बातचीत से, उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके मामूलात से, उसकी कल्बी कैफियात से, एक एक चीज से खुदा की मोहब्बत झलकती है। मगर ये इस सारी अजमत के बावजूद वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुस्लिम हूं। मुस्लिम का लफ्जी माना अपने आप को सौंप देने वाला है, दूसरे के सुपुर्द कर देने वाला, सर तस्लीम खम कर देने वाला, यानी अपनी इस तमाम तर दावत के बावजूद, अपनी तमाम तर इबादत और रियाजत के बावजूद कभी उसका सर गुरूर तकबर से बुलंद नहीं होता, बल्कि उसकी निगाहें हमेशा नीचे होती हैं। वो कहता है इन्नी मिनल मुस्लिम, कहता है मैं तो मुसलमान हूं, मैंने अपना सब कुछ रब के सुपुर्द किया, मगर सब कुछ रब के सुपुर्द करने के बावजूद भी मैं उसके सामने दस्त बस्ता और आजी और इनकसारी से खड़ा हूं। इस आयत का मिस्ताक पूरे तौर पर हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप उनकी शख्सियत, आप उनके खिदमात, आप उनकी आजी और इनकसारी को मलाजा फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल वाके वो इस आयत की जीती जागती तस्वीर है और इस आयत की एक उम्दा तफसीर भी है। हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका असल नाम अली है और आपके मुखलिसीन और मुरीदीन आपको आपकी अजमत और हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के रूहानी वारिस होने के एतबार से आपको अली थानी कहते थे, कि पहले अली हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके फुयुजात और बराकात के सबसे बड़े अमीन वो हजरत अली अल मारूफ शाह हमदान है। लेकिन जहां जहां आप तशरीफ ले गए वहां मुख्तलिफ नामों से आपको याद किया जाता रहा। आज भी अहले ईरान, अहले तुर्किस्तान और अहले ताजिकिस्तान, अहले अफगानिस्तान, ये सब लोग आपको अमीर कबीर कहते हैं, बहुत बड़े अमीर, अमीर कबीर सैयद अली हमदानी। और बर्रे सगीर में, खास तौर पे कश्मीर में, आपको मीर सैयद अली हमदानी भी कहा जाता है। मीर भी अहले कश्मीर बड़े लोगों को जो इल्म, अमल, तख्वे के एतबार से बुलंद मकाम पर फायज होते थे, कश्मीरी उनको मीर कहते थे, तो अहले कश्मीर उनको मीर भी कहते हैं। मगर बर्रे सगीर में जो नाम सबसे ज्यादा आपके लिए मशहूर हुआ वो शाह हमदान का नाम नामी इसमें ग्रामी और आपका लकब है। चूंकि हजरत की वलादत हमदान में हुई जो ईरान का एक सूबा है, और हजरत की चूंकि वलादत हमदान में हुई इसलिए आपको हमदान की उस निस्बत से शाह हमदान कहा जाता है, यानी हमदान के बादशाह।
और फिल वाके आप हमदान के लाजवाल बादशाह हैं। अगर से बादशाही और हुकूमत आपके घर की लौटी थी और आपके वालिद हजरत शहाबुद्दीन वो अपने जमाने में बाज कहते हैं कि वो हमदान के गवर्नर थे, बाज कहते हैं वो हाकिम थे, जो भी वादा था, लेकिन हमदान के तमाम तर इंतजामी इख्तियारात आपके वालिद ग्रामी के पास थे। आप फरमाते हैं जब मैंने आंख खोली तो मैंने इख्तदार की तरफ कभी रगबत से नहीं देखा, मैंने अपने वालिद के जो उमूर सुल्तनत की जो सरगर्मियां थी मैंने उनमें कभी दिलचस्पी नहीं ली। मेरे वालिद ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज करने पे लगाया, मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया, 12 साल की उम्र में मैंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। फिर मुझे जो उस जमाने में मुतदावला दीनी उलूम थे उनको पढ़ने पर बैठा दिया गया और आपके मामू हजरत शेख अलाउद्दौला समनानी जो बहुत बड़े आलिम थे आपने ज्यादा कस्ब फैज़ उनसे किया, दीनी तालीम आपने उनसे हासिल की और तकरीबन 20 साल की उम्र में आपने जहां एक तरफ दीनी उलूम से फरागत हासिल की साथ साथ आपने ज़ोद व तक़वे में भी बड़ा बुलंद व बाला मुकाम हासिल कर लिया। अब एक वक्त में दो काम हो रहे हैं, एक तरफ तालीम है दूसरी तरफ तरबियत है, एक तरफ आप दीन को पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ दीन को बरत रहे हैं, एक तरफ दीन को समझ रहे हैं दूसरी तरफ दीन को समझाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हजरत अलाउद्दौला समनानी ने आपको अपने एक मुरीद हजरत शेख अली दोस्ती के पास भेजा ताकि आपकी रूहानी तरबियत वो कर सकें। आप उनके पास तशरीफ ले गए और देखा कि वो खलबत खाने में बैठे हुए जिक्र कर रहे हैं और सर हिला रहे हैं, तो पूछा कि ये सर क्यों हिला रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे मुर्शिद ने मुझे ऐसी तालीम दी, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। आपने फरमाया मुझे भी ये जिक्र तालीम करने था कि मैं भी जिक्र करूं। उन्होंने आपको जिक्र बताया आप इस तरह जिक्र कीजिए, आपने वो सिलसिला शुरू किया। आप फरमाते हैं कुछ रोज मैंने जिक्र किया तो मुझ पर एक कैफियत नारी हुई और गुनूदगी की कैफियत थी, ख्वाब की कैफियत थी। मैंने देखा रसूल अरब अजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और एक बुलंदो बाला मकाम पर सरकार तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कि मैं हाजिर हो जाऊं और आपकी कदम बोसी करूं, मगर रसूल अब्दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं बेटा, तुम हमारे पास यूं नहीं आ सकते, तुम मैमून मजदकानी के पास जाओ, ये उसका काम है कि तुम्हें हम तक पहुंचाए। इससे अंदाजा फरमाएं कि महज इबादत और रियाजत से आदमी उन मकामात तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये पहुंचना होता तो शायद महज इबादत और रियाजत से आप पहुंच जाते, लेकिन फरमाया हजरत शेख महमूद मजदकानी के पास जाओ, इन रास्तों का महरम वो है, इन रास्तों का जानने वाला वो है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें यहां पहुंचा देगा, ये उसकी जिम्मेदारी। आप हजरत शेख महमूद मजदकानी के पास गए और वहां जब पहुंचे उन्होंने कहा शहजादे ये बताओ कि तुम खादिम बनकर आए हो या मखदूम बनकर के आए हो, तुमने हमारे पास खिदमत करानी है या खिदमत करनी है। अब वो समझते थे चूंकि ये एक हुक्मरान खानदान के चश्मो चराग हैं तो जिस घर के दरो दीवार से इख्तदार की हवाएं चल रही हों और जिसके सारी फजाएं इख्तदार और जबरो सतवत से लबरेज हूं, वहां जो बच्चा आंख खोलता है उसके दिल में खुद ब खुद कुछ ना कुछ किबर व गुरूर तो पैदा हो जाता है। आदमी अपने आप को रियाया से बेहतर समझता है, दूसरों से बेहतर समझा जाता है, हुक्मरानी का मजाज ही कुछ इस तरह से है। अब आप चाहते थे कि इनकी इसलाह हो जाए और वो इसलाह जब ही हो सकती थी कि जब आपका पूरी तरह से तज़किया कर दिया जाए और आपके दिल से गुरूर व तकब्बुर खत्म हो जाए और वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन का आदमी पैकर बन जाए कि वो सर तस्लीम खम कर दे कि नहीं मैं कुछ नहीं हूं, मेरे सर को जो अजमत हुई है वो इसलिए हुई है कि मैंने तेरे दरबार में झुका दी है। अब उन्होंने कहा मैं खिदमत कराने नहीं आया हूं, मैं खिदमत करने आया हूं। आपने फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो हमारी खानकाह का ये जो हबशी गुलाम है तुम्हारा काम यह है कि तुमने इसके जूते साफ करना,
एक ऐसा बच्चा जो अपने वक्त के हुक्मरान का बेटा, उसके लिए ये बड़ी आजमाइश है। और भी कुछ हो सकता था, जिक्र अजकार हो सकता था, तलावत हो सकती थी, और दूसरे उमूर खैर में आपको लगा सकते। फरमाया नहीं, तुम पहले हमारी इस खानका के खादिम के जूते साफ करो। आपने इस चीज को कबूल कर दिया और कबूल किया। काफी अरसे तक आप उसके जूते साफ करते रहे। काफी अरसा गुजरा तो आपने कहा कि हजरत अब आप ड्यूटी तब्दील कर दीजिए। अब ड्यूटी ये तब्दील करें कि मैं अब खानका की खिदमत करना शुरू कर दूं और खानका की सफाई अब मैं करूं, और वो गुलाम वो अब अल्लाह के जिक्र अजगार में अपना वक्त गुजारे। आपने फरमाया याद रखो, अभी तो तुमने अपने दिल की दुनिया ही साफ नहीं की है, हमारे खानका कैसे साफ कर सकते हो। पहले अपना दिल साफ कर लो। जब तुमने अपना बातिन साफ कर दिया, तुम्हारे दिल की खानका साफ करने की तुम्हें ढंग आ गया, तुम्हें तरीका आ गया, तो उसके बाद तुम्हें हमने अपनी खानका साफ करने के लिए लगाना है। आप फिर चले गए और खिलवत खाने में गए, वहां जाके फिर आपने रियाज शुरू कर दी। 6 साल तक मुसलसल आप इसी खिदमत में मामूर। 6 साल बाद मुर्शिद ने फिर बुलाया और कहा कि अच्छा अब ये ऐसा करो कि तुम खानका की सफाई भी करो और नमाजियों के लिए और मेरे लिए खास तौर पर डेले उठा करके बैतुल खला में रख दिया करो। अब ये ड्यूटी सरंजाम दी गई। आपको बड़ी इस पे शायद हैरत भी हो रही हो कि ये किस तरह का इम्तिहान है। ये इम्तिहान ऐसे लिए जाता है कि जिन लोगों ने दुनिया में बहुत बड़ा काम करना होता है, जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा काम कराना होता है, वो इंसान की बुनियाद उतनी मजबूत और गहरी रखते हैं। किसी ने कोई एक छोटी सी कोई इमारत बनानी है, एक मंजिला इमारत बनानी है, उसके लिए गहरे प्लिंथ की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां मल्टी स्टोरीज बनानी होती हैं, जहां कई मंजिला इमारत बननी होती है, फिर उसकी फाउंडेशन उतनी गहरी होती है। अगर फाउंडेशन गहरी ना हो तो थोड़ा ऊपर जाके फिर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने दीन के नाम से खिदमत का आगाज किया और अपने आप को दीन के लिए ही वक्फ किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 उनकी तहरीकों का रुख और उनके काम का रुख दीन से फिर के दुनिया की तरफ आ गया। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब आदमी के अंदर पुख्तगी ना हो तो आदमी जो जो ऊपर जाता है मुख्तलिफ फितनों का सामना होता है। आदमी इबादत जो जो ज्यादा करता है इतने इस कदर फितने में मुबतला हो जाता है। आदमी जो जो तबलीग आगे करता है, तबलीग करते हुए जोद रियाजत करते हुए और सदकात और खैरात करते हुए बाज दफा वही चीजें आदमी के लिए फितना बन जाती हैं। बुनियाद मजबूत हो, बुनियाद रासिख हो तो किसी शख्स पर पूरे जहान का वजन भी आ जाए तो उसकी कमर में कभी खम नहीं आता। वो एक कोई ग्रां की तरह से साबित कदम रहता है। वो किसी भी अच्छी और बुरी हालत में वो न कभी रियाकारी का शिकार होता है, न कभी वो मायूसी का शिकार होता है। तो हजरत शाह हमदान ने जिस मकसद के लिए तैयार होना था, उस मकसद का तकाजा ये था कि हजरत शाह हमदान की किरदार की बुनियादें बहुत गहरी कर दी जाए। इसी बुनियाद पर फिर आपसे इतना ये चिल्ला कराया गया और 6 साल इस कैफियत में रहे। उसके बाद फिर आपको हजरत ने यह फरमाया कि आप अब मैं शेख अली दोस्ती के पास चले जाएं। और इस जमाने में जब आप इस 6 साल के चिल्ले से फारिग हुए तो आप फरमाते हैं कि मेरी कैफियत यह थी। आप अंदाजा करें आदमी के दिल की कैफियत कैसे तब्दील होती है जब मुर्शिद की निगाह करम के साए में रह करके आदमी तरबियत हासिल कर रहा हो और उसके मुसलसल निगाहों से भी तज़किया हो रहा हो, इबादत और रियाजत से तज़किया हो रहा हो, तो दिल की कैफियत ही बदल जाती है। आप फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने पाबंदी लगाई हुई थी कि अली हमदानी के सामने किसी ने बुलंद जिक्र नहीं करना, इसलिए कि खौफ इन्निज़ाक रूअस्त, कि मुझे खतरा है कि किसी ने अली हमदानी के सामने अगर आवाज बुलंद से खुदा का नाम लिया तो ये कि तड़प के मर ना जाए। ये कैफियत थी। इस कदर दिल में सोच और गदास पैदा हो गया था कि कोई शख्स आपके सामने खुदा का नाम बुलंद आवाज से नहीं ले सकता था। जब 6 साल ये कैफियत हुई, फिर शेख ने फरमाया आप शेख अली दोस्ती के पास जाए। कुछ अरसा वहां गए, फिर दोबारा शेख महमूद मजदकानी के पास आए और इस तरह से यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन शेख अली दोस्ती से वापसी का भी एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया है
वहां एक दिन शेख ने कहा कि आपको दोबारा शेख महमूद मजदखानी के पास चला जाना चाहिए। हजरत शाह हमदान बड़े हैरान थे कि उन्होंने मुझे यहां भेजा, ये मुझे वापस वहां भेज रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं मैंने तामल किया, दस दिन गुजर गए तो एक दिन शेख अली दोस्ती वो अपने मुकर्रर वक्त पर बाहर तशरीफ ना लाए तो साथियों को तश्वीश हुई कि क्या वजह है। चुनाचे दरवाजा जब खोला गया, आप फरमाते हैं मुझे ही कहा गया कि तुमने दरवाजा खोलना है और शेख को देखें किस हालत में है। तो आप फरमाते हैं मैंने देखा कि शेख इस बात की हालत में, यानी जिस तरह कहा था ला इला इल्लल्लाह इल्लल्लाह पे ये इस बात की कैफियत होती है, कहते हैं मैंने देखा कि इस बात की कैफियत में शेख की गर्दन यूं झुकी हुई है और अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने मुझे शेख महमूद मजदकानी के पास जाने के लिए क्यों फरमाया था। मसले ये थी कि हमारा वक्त करीब है तो मैं दोबारा उनके पास चले जाना चाहिए। फिर आप हजरत शेख महमूद मजदखानी के पास आए तो शेख महमूद मजदखानी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारे हाथ में एक चमचा है और देगें उबल रही हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने पक रहे हैं। आपने अर्ज किया फिर इसकी ताबीर क्या है? फरमाया इसकी ताबीर यह है कि तुम बेशुमार औलिया से फैज हासिल करोगे, लिहाजा अब तुम्हें सफर करना चाहिए। तो 20 साल की उम्र में एक तरफ से मजाहिदा और तज़किया और तस्फिया मुकम्मल हुआ, दूसरी तरफ से उलूम दीनिया पर मुकम्मल महारत हासिल कर ली, तो 20 साल की उम्र में आपने सफर का सिलसिला शुरू कर दिया। आप उस दौर के सफर का अंदाजा करें कि उस जमाने में क्या सहूलतें थी, कोई सवारी नहीं है और किसी किस्म के होटल नहीं है, कोई बाकायदा कोई सराय नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, रास्ते महफूज नहीं है, पहनने के लिए हत्ता के जूते भी नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में सफर किया और मुसलसल 20 साल तक सफर में रहे और आप फरमाते हैं कि मैंने 3 मरतबा पूरी दुनिया जो उस जमाने में आबाद थी, 3 मरतबा मैंने सारी दुनिया का चक्कर लगाया और 12 मरतबा पैदल हज किया और कहां कहां नहीं तशरीफ ले गए। ये ईरान अफगानिस्तान से होते हुए बर्रे सगीर से होते हुए कश्मीर से होते हुए श्रीलंका गए, वहां से भी तशरीफ ले गए, ईरान आगे मिस्र गए, शाम गए, बैतुल मक़दस गए और हरमैन तैयबैन की जियारत की और कहा जाता है कि आप रोम के मास इलाकों में भी गए, बेशुमार इलाकों में आप तशरीफ ले गए और 20 साल मुसलसल सफर किया। जो 40 साल उम्र हुई, आप अंदाजा फरमाएं कोई नौजवान इस कैफियत में जिसकी जिंदगी इस हाल में गुजर रही है, तज़किए और तस्वीए मजाहदे और रियाजत में, कि 40 साल जिसकी उम्र गुजर गई है और इस 40 साल की उम्र में उसने कभी कसतन खुदा की नाफरमानी नहीं की है, कभी कसतन खुदा की नाफरमानी नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन जब किसी का कोई साया नहीं होगा, 10 अशखास खुदा के साये में होंगे और उनमें से एक शख्स वो है शाब नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा जवान जिसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो उसका सर खुदा के सामने आज ही इनकसारी से इबादत में झुके, खुदा का साया क्यामत के दिन इस शख्स पर होगा। तो हजरत सैयद अली हमदानी से ज्यादा और इस बात का मुस्तहिक कौन है कि उन पे खुदा की रहमत का साया हो कि जिन्होंने अपनी सारी जवानी और सारी तवानाइयां खुदा की राह में वक्फ कर दी। 40 साल जब उम्र हुई तो दोस्तों ने मशवरा दिया, बाद बुजुर्गों ने कहा आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, आप रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हुए। 20 साल फिर आप हमदान में रहे, जब उम्र शरीफ तकरीबन 60 साल के करीब हुई तो फिर दोबारा आपको गैबी इशारा मिला कि आप खुतलांत चले जाएं। अब ये जो अहलुल्लाह हैं इनका काम ये गैबी इशारों के मुताबिक होते हैं कि इनका कोई अपना वतन नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, हर मुल्क मुल्क मास के मिल के खुदा मास, इनका हर मुल्क इनका ही वतन है, ये जहां जाएं वहां इनके लिए हर मकाम पर अपने अहल वतन किसी मोहब्बतें इनको मिलती हैं, ये जहां जाए उसी सरजमीन को अपना मस्कन और अपना मैबद बना लेते हैं। तो हजरत शाह हमदान ने फिर खुतलान को जो इस वक्त ताजिकिस्तान में है, पहले वो कुछ अरसा रूस के ज़ेर तसल्लत भी रहा, यहां खुतलान तशरीफ ले गए। जब खुतलान तशरीफ ले गए तो खुतलान में एक दिन एक शख्स आपसे मिलने आया, आप इन लोगों की अजमत का जरा इससे अंदाजा लगाइए, बदख्शां का बादशाह जो माजूल हो चुका था वो आपके पास आया
और कहा मेरे लिए दुआ करें। अब ये अहलुल्लाह कोई वोट थोड़े ही डालते हैं, ये कोई हुकूमतें ये थोड़े बनाते हैं बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत जो इनकी जबान से बात निकल जाए ये हुकूमतें इनके यहाँ तकसीम होती हैं। आपने फरमाया इसका नाम था शाह मोहम्मद। आपने कहा शाह मोहम्मद शाह दुनिया व आखिरत दस्त वजूद बायत के मुमलकत बदशाह बदस्ते वो भी आयत। आपने कहा ये शाह मोहम्मद तुमको तो दुनिया और आखिरत का हमने शाह बना दिया है और अब करीब ये बदशाह की सारी हुकूमत तुम्हारे पास आने वाली है। एक साल के अंदर अंदर फिर बदशाह की हुकूमत शाह मोहम्मद के पास आ गई। अल्लाह की सूफी की जबान से जो बात अदा हुई थी वो हो करके रही और हजरत शाह हमदान का वो कौल मुबारक सच्चा साबित हुआ, दोबारा इसको हुकूमत मिल गई। इसी जमाने में जब आप खुतलान में क्याम पजीर थे, एक रात को रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। आपके मिशन की अजमत का अंदाजा करें, ये ड्यूटियां कहां से लगती हैं? ये ड्यूटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से लगती हैं। और आप कहते हैं कि सरकार तशरीफ लाए और फरमाया या वलादी इरहब इला कश्मीर, ऐ बेटे कश्मीर जाना है तुमने अब। क्यों? इसलिए कि कश्मीर में लोग मुसलमान तो हो गए लेकिन उनकी हालत मुशरिकों से ज्यादा बदतर है और अहले कश्मीर को इस बात पर फख्र भी होना चाहिए और इस बात का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि सरकार की नजर करम अहले कश्मीर पर है। अहले कश्मीर किसी मुश्किल में हो, दीनी या दुनियावी मुश्किल में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मलाजा फरमाकर उसको दूर करने की तदबीर सरकार इख्तियार फरमाते। अहले कश्मीर पर सरकार की नजर है। हज़रत शाह हमदान को जब ये हुक्म मिला, आपने अपने चंद साथी कश्मीर भेजे, उन्होंने जाके हालात का जायजा लिया, फिर वापस गए और फिर 774 में हजरत शाह हमदान खुद कश्मीर तशरीफ लाए। आप जब कश्मीर तशरीफ लाए तो आपने आके देखा कि जिस तरह सरकार ने फरमाया था सूरत आल वही है। अब इस मरहले पे थोड़ा सा आप कश्मीर का मुख्तसर सा आप बैकग्राउंड अपने सामने रखें और फिर देखें कि हजरत शाह हमदान की खिदमात की अजमत क्या है। ये कश्मीर जिसको ईरान सगीर भी कहा गया और इस वक्त अपने हुस्न जमाल में और अपने बेशुमार खूबियों में, जहानत में, सनत व इरफत में वो एक मुनफरद मकाम रखता है। ये कश्मीर ये दुनिया की एक ऐसी वादी थी कि जिसके बारे में लोग कहते थे कश्मीरियों को चोरी चकारी और लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं आता। मॉरिसन ने यही बात लिखी है कि दे आर ऑनली स्किल इन प्लंडरिंग फाइटिंग एंड स्टीलिंग। कश्मीरियों को कुछ नहीं आता, ये या चोरी करते हैं या डाका जानी करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, कश्मीर को कश्मीरियों को आता कुछ नहीं था। ये वही कश्मीर है जिसको कुछ नहीं आता था और इस कश्मीर में जब तक हिंदुओं की हुक्मरानी रही ये हर एतबार से रूब अजवाल ही रहा। ये तकरीबन 1015 ईस्वी से लेकर के ये जो बाद का अरसा है ये मुसलसल इनेतात और जवाल का शिकार था इसमें कश्मीर। और इस जमाने में लोगों की माशी हालत इतनी अबतर हो गई थी कि कश्मीर का राजा अनंता जो था उसने अपना ताज एक ताजर के पास ग्रो रख करके वो अपना हुकूमत का निजाम चलाता था। ये उसकी कैफियत थी, माली लिहाज से अबतरी है और कैद साली थी, बुरी हालत थी और अखलाकी तौर पर जो कश्मीरियों की हालत थी वो नागुफ्ता बे थी। हिंदू जब तक इस सरजमीन में रहा, जब तक हिंदू ने कश्मीर में हुकूमत की उनकी हालत अबतर थी। यही वो हिंदू लोग थे कि जिनके दो बादशाह हर्ष और कलश गुजरे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके हाथ से इनकी महरमात की इज्जतें भी महफूज नहीं रह सकी। ये इतने अखलाकी तौर पे गंदे लोग थे कि इनके करीबी रिश्तेदारों की इज्जतें और असमतें भी इनसे महफूज नहीं रह सकी। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो फिर वेस्ट की तरफ लाता हूं। सामिन ज़िबकार, आपने ब्लड शैम की एक इस्तलाह सुनी होगी। ब्लड शैम की इस्तलाह अब यूरोप में तहरीक चल रही है कि ये जो खूनी रिश्तों का ये तकद्दस है, ये एहतराम है, ये सारा खत्म हो जाना चाहिए और बाकायदा उसके लिए काम हो रहा है जिसको ब्लड शैम तहरीक कहा जाता है। अब आप अंदाजा करें कि इंसान जब दीन से मजहब से दूर हो जाए तो वो कितना जहालत में डूब जाता है। वो हरकतें जो कश्मीर के हिंदू आज से 1000 साल पहले करते थे, आज यूरोप का महजब शख्स भी उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जहालत
ये किसी ऐसी चीज का नाम नहीं जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाए। जहालत एक जाहिलाना सोच का नाम है। और यूरोप के इस तहजीब याफ्ता दौर में भी अगर कोई शख्स दीन से दूर हो जाए तो वो उसी जहालत की उसी तारीख वादी में और उसी गार में चला जाता है जहां कश्मीर का हिंदू 1000 साल पहले था। ये कैफियत उन लोगों की होती थी। लेकिन जब हजरत शाह हमदान यहां आए तो यहां का नक्शा बदल गया। अगरचे हजरत शाह हमदान यहां पहले मुबल्लिग नहीं थे, सबसे पहले यहां 1320 ईस्वी में हजरत अब्दुर्रहमान, जिनका उर्फ बुलबुल था, अब्दुर्रहमान बुलबुल इन्हें कहा जाता था, इनके हाथ पर कश्मीर के हुक्मरान राजा ने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम सदरुद्दीन रखा। इसका नाम असल रेंचन था। जब ये मुसलमान हुआ तो सारी रियाया मुसलमान हो गई, सारी रियाया मुसलमान हो गई। मगर कुछ अरसे में जब आप वापस तशरीफ ले गए और सुल्तान सदरुद्दीन का इंतकाल हो गया, रेंचन साबका रेंचन और बाद में सदरुद्दीन अपना नाम रखवाने वाला ये मुसलमान बादशाह, जब ये मर गया, इसका इंतकाल हो गया, तो हिंदू की एक खासियत यह है कि ये हालात को देख करके सब कुछ तब्दील कर देते हैं। ये अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं और ये अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं। यही कुछ इन्होंने तो 1947 में हमारे साथ किया, जब इन्होंने देखा कि हम अंडर प्रेशर हैं, मुजाहिदीन वो गालिब आते जा रहे हैं और दुनिया में पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है। उन्होंने कहा हम यहाँ किसी वक्त राय शुमारी कराएंगे, इस सवाब राय होगा और कश्मीरियों को हक दिया जाएगा। आज उससे मकर गए। ये कश्मीर, ये हिंदू की ये सृष्टि और फितरत है कि उस जमाने में जब उन्होंने देखा कि अब बादशाह मर गया, दोबारा लोग दीन इस्लाम से खारिज होना शुरू हो गए। जो मुसलमान कुछ रह गए उनकी भी ये हालत थी, वो मस्जिदों में जाकर इबादत भी करते थे, मंदिरों में भी जाते थे। उनका लवाज हिंदवाना, उनकी वजाकता हिंदवाना, उनके रस्म रवाज सब के सब हिंदवाना थे। और सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में ये आता है कि वो खुद मंदिर में जाकर के वहां सीधा रेज होता था, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता था। हजरत शाह हमदान जब यहाँ 774 हिजरी में आए तो आपने आके ये कैफियत मुलाजा की, आपने महसूस किया कि यहाँ एक किसी बहुत बड़े इनकलाब की जरूरत है, बहुत बड़े इनकलाब की जरूरत है। आप फिर वापस ईरान तशरीफ ले गए और वहां जाकर मुबल्लिगीन की एक जमात आपने तैयार की जो 700 अफराद पर मुश्तमल थी। आपने अपने शागिर तैयार किए जो आलिम भी थे, साहिब इल्म व फन भी थे, साहिब सनत व हिरफत भी थे। उस जमाने में ईरानी दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर थी, जिस तरह आज वेस्ट है अपने इंडस्ट्रीज में मशहूर है, इसी तरह से एक जमाने में ईरान अपनी दस्तकारी में सारी दुनिया में मशहूर था। आपने उनको इल्म भी सिखाया, ज़ोद व तक्वा भी सिखाया, तज़किया नफ्स भी किया, तस्विया बातिन भी किया, और साथ साथ आपने उनको ईरानी हुनर भी सिखाए। और सिखाने के बाद फिर आप इन 700 मुबल्लिगीन को लेकर के 781 हिजरी में दोबारा कश्मीर तशरीफ लाए, दोबारा कश्मीर आए। उस जमाने में वहां कुतुबुद्दीन की हुकूमत थी, कुतुबुद्दीन ने आपका इस्तकबाल किया, लेकिन आपने किसी पर बोझ बनना मुनासिब नहीं समझा। तो मौजूदा जो खानकाह मौला है श्रीनगर में, यहां पर आपने पड़ाव डाला और 700 मुबल्लिगीन को लेकर के आप यहां तशरीफ फरमा हो गए और ये तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन आपके पास सुबह शाम आता, आपसे मुस्तफीद होता, आपने भी करम फरमाया और अपना कुल्ला मुबारक कुतुबुद्दीन को दे दिया, अपना कुल्ला मुबारक कुतुबुद्दीन को दिया। आप अंदाजा करें कि इन लोगों का इख्तदार कितना लाजवाल है। दुनियावी हुक्मरानों का इख्तदार आता जाता है, खत्म होता जाता है, आज है तो कल नहीं है, और कुछ अरसे के बाद इख्तदार का ये सूर्य गुरूब हो जाता है। लेकिन ये अहलुल्लाह वो हैं कि जिनकी अजमत और जिनका उरूज वो हमेशा निस्वनार पे होता, कभी यह जवाल नहीं आता। आज कुतुबुद्दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन हजरत शाह हमदान के नाम लेने वाले मौजूद हैं। आज सुल्तान शहाबुद्दीन का नाम लेने वाला शायद कोई नहीं होगा, सिर्फ तारीख की किताबों में इन लोगों के नाम महफूज हैं। लेकिन हजरत शाह हमदान का नाम मस्जिद के मेहराब मिंबर से भी लिया जाता है, कॉन्फ्रेंसों में लिया जाता है, अखबारात खुसूसी इन पर ज़मीमी और एडिशन शाया करते हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है, असल इख्तदार इन लोगों का है। तो ये जितने भी कश्मीरी हुक्मरान थे ये हजरत शाह हमदान का इंतहाई एहतराम करते थे, और आपने भी ये किया कि इसको अपना कुल्ला अता फरमाया। और कश्मीर के जितने बादशाह गुजरे सलातीन कश्मीर, ये हमेशा अपने ताज के नीचे हजरत शाह हमदान का कुल्ला मुबारक रखते थे। ताज ऊपर होता था, नीचे हजरत शाह हमदान का कुल्ला हुआ करता था, और इस कुल्ले को ही वो अपने इख्तदार की जमानत समझते थे। इनका आखिरी जो सुल्तान गुजरा है उससे पहले
सुल्तान फतेह शाह जब वो मरने लगा, उसने वसीयत की कि हजरत शाह हमदान का कुल्ला मेरे साथ दफन कर दिया जाए। और उसका मकसद भी ये था कि तबर्रक रहे, शायद अजाब कब्र से महफूज रह जाऊं। तो सुल्तान फतेह शाह ने यह किया कि वो कुल्ला अपने साथ दफन करा दिया। जब वो दफन कराया तो मौलवी मोहम्मद जो इस दौर के शायर थे, उन्होंने कहा ताज शाही अल शाह कश्मीर बरफ्तान व सरदारी आ हमा बनगु सारी इफ्तदा। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के बादशाहों से शाह हमदान का कुल्ला क्या नीचे उतरा कि अब इनका इख्तदार भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और हुआ ये कि अगर शाह हमदान का वो कुल्ला मुबारक दफन होना था तो सलातीन कश्मीर की वो हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए रहे। ये वो लोग थे कि जिनको अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया था, जहां गए जो कह दिया बस वो हो करके रहा। तो कश्मीर में आपने 700 मुबल्लिगीन पूरे कश्मीर में फैला दिए। और ये 700 मुबल्लिगीन वो हैं कि जो अपना वतन ईरान छोड़ करके आए और कोई एक मुमल्लिक भी दोबारा अपने वतन नहीं गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने वतन से किसको मोहब्बत नहीं होती, लेकिन जो लोग मिशन से मोहब्बत रखते हैं वो समझते थे कश्मीर आ गए, अब कश्मीर ही हमारा वतन है, हमारा मरना जीना इन लोगों में है, हमारे मज़ारात हमारी कब्रें इसी सरजमीन में बनेगी। उन 700 मुबल्लिगीन में से किसी एक की कब्र भी ईरान और खुदरान में नहीं है, सब के सब कश्मीर में मदफून है। लेकिन हज़रत शाह हमदान जब यहाँ आए तो आपने एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। सिर्फ एक नौयत का नहीं था कि महज आप तबलीग कर रहे हैं, ये अलग बात है कि तबलीग से भी लोग मुसलमान होते गए और आपकी तबलीग के नतीजे में 37,000 हिंदू मुसलमान हुए, 37,000 हिंदू मुसलमान हुए। आप फिर यहाँ से 2.5 साल क्याम करने के बाद वापस तशरीफ ले गए और आखिरी मरतबा आप 785 हिजरी में फिर कश्मीर तशरीफ लाए। और रास्ते में ये शुमाली इलाका जहाँ जितने भी हैं इस पूरे इलाके में आपकी तबलीग का सिलसिला जारी रहा। आप जहाँ जाते थे आपका मामूल ये था कि आप जहाँ तशरीफ ले जाते उस माने में प्रस्त तो था नहीं, आप लोगों को मुसलमान करते, दीन के अहकाम सिखाते और कुछ अहकाम लिख के दे जाते थे और बता देते कि तुमने यहाँ मस्जिद बनानी है, मस्जिद की बुनियाद खुद रखते थे, उसके बाद वो बस्ती छोड़ के दूसरी बस्ती में चले जाते थे। जब ये आखिरी दफा तशरीफ लाए तो सारी मसाजिद का खुद मायना किया और शुमाली इलाका जात में कुछ मस्जिदें अपने हाथ से भी बनाई, उनकी तकमील आपने खुद फरमाई। और जहाँ खुदा का दरवेश जाता है आप अंदाजा फरमाएं, दरवेश की जबान से जो बात निकल गई वो कभी खुदा की जात वापस नहीं करती। इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनका शब रोज जिनकी जबान खुलती है तो खुदा के जिक्र में खुलती है, ये जबान से कोई बात कह दें तो खुदा इनकी बात सुनता है, पूरी हो जाती है। शुमाली इलाका जात में जा रहे थे, खपलू के करीब एक जगह है, वहाँ एक देहात से आपका गुजर हुआ, देहात के करीब से आपका देहात से आपका गुजर हुआ, आपने देखा कुछ ख्वातीन वहाँ खेतों में गोडी का काम कर रहे हैं, गोडी कर रही है। आपने अपने दरवेशों को भेजा और कहा कि इनसे जाके कहो कि हमें कुछ खाना पिलाना, अगर ये कर सकें तो हम इनके शुक्रगुजार होंगे। उन ख्वातीन ने देखा बड़ी सियानी होती है, और वैसे आदमी को सियाना होना चाहिए कि कोई खुदा वाला कहीं मिल जाए तो कोशिश करे कि आदमी इससे कुछ बहुत ले ले, हासिल कर ले, चूंकि खुदा वाले मिलते कभी कभार हैं। अब ये ख्वातीन, इन्होंने देखा ये कोई दरवेश जा रहे हैं, कोई नेक आदमी है, तो बजाय इसके कि हम कोई इनको कोई हल्का फुल्का खाना दें, हम क्यों ना घर जाके कोई एहतमाम के साथ जो मैसर था वो घर गई, दूध दही और लस्सी मक्खन जो कुछ था और खाना वाना तैयार करके इन्होंने भेजा। हज़रत शाह हमदान ने अपने इन रुफका के साथ वो खाना तनावल फरमाया। अब फकीर बड़ा बागारत भी होता है और वो किसी का एहसान उठाता भी नहीं है, और ये किसी का एहसान उठाता नहीं और अगर किसी पे एहसान करना चाहे तो इसका ताल्लुक उस जात से है जो सबकी मोहसिन है। ये फिर ऐसा नवाज के जाते हैं कि कई सदियों तक कई पुश्ते उससे मुस्तफीद होती जाती हैं। आपने आखिर में दुआ की, आपने कहा कि इन्होंने हमारी खिदमत की, या अल्लाह इसको इनको इस मशक्कत से बचा। ये जो गोडी करती हैं उस इलाके में सारे ये गोडी का काम औरतें करती, मर्द नहीं करते। आपने अर्ज किया या अल्लाह इस फकीर की दुआ है कि इनको इस मशक्कत से बचा। अब अजीब सी बात है ना, अब गोडी कौन करेगा इनकी जगह से? मशक्कत से बचाने का मतलब यह है कि आइंदा कोई गोडी करने के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल होंगे, कौन आएगा, क्या इंतजाम होगा? बाजार कोई इंसानी अकल इसका कोई हल समझती है? कोई इसका हल नजर नहीं आता। अगले साल क्या हुआ? अगले साल जब वही फसल का मौका आया, जब फसल बीजा गया और उसमें जो घास फूस निकला ऊपर, अभी लोग तैयारी कर रहे थे गोडी करने की कि वो मुरझाना शुरू हो गया।
मर जा के वो जमीन के ऊपर गिर गया और उसके बाद वो जमीन ऐसी नरम हो गई कि जिस तरह गोडी के बाद होती है। और उस जमाने से लेके आज तक मुझे वहां के मुअर्रिख ने बताया जो उसी सरजमीन से ताल्लुक रखता है, उसने कहा मैंने जाके वो जगह देखी है, उस जमाने से लेके इस दौर तक आज तक किसी शख्स ने उस गांव में गोडी नहीं की है। खुद ब खुद जब वो वक्त आता है तो जमीन खुद ब खुद नरम हो जाती है। ये अल्लाह के दरवेश की जबान से कलमात से आप जहां तशरीफ ले जाते थे आपका तरीका मुबारक ये था कि नक्त सौदा होता था, किसी ने कहा करामत दिखाओ फौरन दिखा दी, किसी ने कोई बात की फौरन उसकी बात पूरी हो गई। तो कश्मीर में आने के बाद सबसे ज्यादा जो आपकी खिदमात है वो कश्मीर में है। कश्मीर में जब लोग मुसलमान हो गए, इसमें ऐसे लोग भी थे जो पहले संत राशि बुत राशि करते थे, बुत बनाते थे, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो बुत प्रस्ती करते बुत बनाते भी थे। जब लोग मुसलमान हो गए तो अब उनके लिए मसला ये पैदा हो गया कि वो पेट कैसे भरें, मुसलमान तो हो गए, एक आदमी जो बुत राज था बुत राज करके वो अपनी रोजी पैदा करता था, वो अपनी रोजी कैसे पैदा करे। आपने फिर उन लोगों को जो ये साहिब हुनर और फन थे उनको मस्जिदों की मीनाकारी पे लगा दिया, मजारात और मेहराबों की सजावट पर और उनकी जवाहर नगारी पे लगा दिया, वो सारे लोग इधर इसमें मशहूर हो गए। उसके अलावा आपने महसूस ये किया कि यहाँ जहानत है सरजमीन कश्मीर में, और इस जहानत से इस्तवादा करके यहाँ कोई ऐसी दीन की बुनियाद कायम कर दी जाए कि आइंदा कभी कोई शख्स इस सरजमीन से दीन को बाहर ना निकाल सके। उसके लिए आपने मदारिस कायम किए। सबसे पहला मदरसा मदरसतुल कुरान हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने श्रीनगर में कायम किया, मदरसतुल कुरान के नाम से। और इस मदरसे में जो लोग आते थे वो अपने दौर के बड़े साहिब फन और साहिब कमाल लोग बनते थे। इसने बड़े बड़े शोरा को, बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े अदीबों को जन्म लिया जिन पर आज भी कश्मीर को फख्र है। और इसी दरसगाह में हज़रत शेख सुलेमान भी आए। हज़रत शेख सुलेमान ये हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान हुए, और मुसलमान होने के बाद इस मदरसे ने उन पर वो रंग चढ़ाया कि हज़रत शेख सुलेमान को लोग कुतुबुल अखदाब कहते हैं, इमामुल कुर्रा और कुतुबुल अखदाब, कारियों के इमाम और कुतुबों के अखदाब, अखदाब के कुतुब हैं, कुतुबों के इमाम हैं। अब ये इसी मदरसे की ये बरकत थी कि इसमें लोग दीन के पास दीन के करीब आए, उन्होंने दीन सीखा, दीन को समझा और दीन को फैलाना शुरू कर दिया। मगर आपने हम जैसी एक इनकलाब बर्पा किया जिसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल रेवोल्यूशन। आपने एक हम जैसी इनकलाब बर्पा किया, एक तरफ ये रूहानी तजकिया हो रहा था, तालीम और तालम का सिलसिला था, दूसरी तरफ कश्मीर की जो कालीन बाफी की सनत थी वो भी रूबा जवाल थी। आपने सुल्तान को तवज्जो दिलाई, उसने उस सिलसिले में मुख्तलिफ फंड मखसूस किए और वो सनत और इरफत का सिलसिला भी वो उरूज की तरफ जाने लगा। इसलिए हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपको कहा है कि खितारा आ शाह दरिया आस्तीन दाद इल्म सनत व तहजीब व दीन, खितारा आ शाह दरिया आस्तीन दाद इल्म सनत व तहजीब व दीन, के कश्मीर में उस खुदा के फकीर और उस खुदा के वली ने आके न सिर्फ ये कि दीन दिया बल्कि तहजीब भी दी, तमद्दन दिया और मुख्तलिफ फनून भी अता किए। और हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर हजरत अल्लामा इकबाल ने जावेद नामे में मुसलसल 146 अशार लिखे। किसी शख्सियत के लिए और एहतराम व अकीदत में हजरत अल्लामा इकबाल ने इतने अशार नहीं लिखे जितने हजरत शाह हमदान के लिए लिखे। और उसका उनवान है बहुजूर हजरत शाह हमदान, 146 अशार वो हजरत शाह हमदान के हजूर हजरत अल्लामा इकबाल ने पेश किए। तो हजरत जहां तकरीबन इस दफा 6 महीने क़याम फरमाने के बाद वापस तशरीफ ले जाने लगे, यहां आपने एक लाइब्रेरी कायम की और वो लाइब्रेरी जो खुतलान में थी अपनी सारी लाइब्रेरी कश्मीर में मुंतकिल कर दी। आप जरा अंदाजा करें आज के दौर में अगर यहाँ से आपको कोई किताब पाकिस्तान भेजनी पड़ जाए तो उसमें कैरेज का प्रॉब्लम हो जाता है कि ये ले तो जाएं लेकिन कैसे ले जाएं। और लोगों ने सारी लाइब्रेरी हजरत शाह हमदान की वो खुतलान से मुंतकिल की कश्मीर में और यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम हो गई। और आपने न सिर्फ ये कि मर्दों की तालीम और उनके तज़किरे की तरफ तवज्जो दी बल्कि ख़ास तौर पर औरतों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दी। हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के पास
ख्वातीन आती थी वो भी आपसे कस्बे फैज करती थी, सुल्तान सिकंदर की वालदा हुरा बेबी वो भी आपके हाथ पर बैत हुई, और उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ। असल में ख्वातीन की तालीम और तरबियत ये भी बहुत अहमियत रखती है। जब तक ख्वातीन की तालीम और तरबियत नहीं होगी, आइंदा नस्ल की तालीम और तरबियत नहीं हो सकती। हज़रत शाह हमदान ने ख्वातीन पर बिलखसूस तवज्जो दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि खदीजा बीबी जो हज़रत शाह हमदान से ही फैज़ याफ्ता थी, कश्मीर में सबसे पहले मदरसतुल बनात कायम हुआ। बर्रसग़ीर में मदरसतुल बनात का कोई तसव्वुर नहीं था। खदीजा बीबी ने हज़रत शाह हमदान की तहरीक पर कश्मीर में सबसे पहले बच्चियों का इदारा कायम किया, जहाँ बच्चियों की तालीम और दरस व तदरीस होती थी। और हज़रत शाह हमदान ने ख्वातीन की तालीम और उनकी तदरीस पर इतना ज़ोर दिया कि आप ज़खीरतुल मुलूक में लिखते हैं कि हर वालिद का फ़र्ज़ है कि वह अपनी बेटी को दीन की तालीम दिलाए। हर वालिद का फ़र्ज़ है, और अगर वालिद ये काम ना कर सके तो शोहर का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को दीन की तालीम दिलाए, और अगर ये दोनों अपना फरीजा अदा न करें तो वो लिखते हैं ज़खीरतुल मुलूक में कि औरत को इख्तियार है कि बाप और शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकले और दीन सीखे। बाकी किसी मामले में उसको वालिद और शोहर की इजाज़त दरकार है, लेकिन अगर कोई शख्स उसको बरवक दीन नहीं सिखा सका तो दीन सीखने के लिए उसको इजाज़त है कि किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं, किसी की परवाह किए बगैर वो निकले और शरी आदाब के मुताबिक वो दीन की तालीम से दीन की तालीम हासिल करे। तो हज़रत शाह हमदान ने यहाँ एक ऐसा हमाजेती इनकलाब बर्पा किया कि जिसके बारे में अल्लामा ने कहा, सैयदुस सादात सालार अजम दस्ते उ मेमार तकदीर उमम। ये सैयद सादात के सरदार हैं और ये अजम के सरदार हैं, दस्ते उ मेमार तकदीर उमम, उनका हाथ उम्मतों की तकदीर बनाता है। खितना रहा आशा दरिया आस्तीन दाद इल्म सनत व तहजीब दीन, कि इस खिते को उस शाह दरिया आस्तीन ने इल्म सनत तहजीब दीन सब कुछ दिया, और इस सरजमीन में आपके तशरीफ लाने के बाद आपने मुशावरत का काम दिया। आप खुद इख्तदार के करीब नहीं गए, लेकिन हुक्मरानों को आप मशवरा देते रहे और हुक्मरान आपके मशवरे को अहमियत भी देते थे। इसलिए अल्लामा ने कहा कि खेज व तीरशना ब दिल नगा बदे, के तो उनके उस नगाह को अपने अपनी तरफ मुतवज्जे कर, इसलिए कि यक नगाहें वो कुशायद सद गिरा, कि उनकी एक नगाह आदमी के दिल की हजारों गिरें खोल देती हैं। इसलिए हज़रत शाह हमदान की तवज्जोहात का मरकज बन जाओ ताकि तुम्हारे दिल की गिरा भी खुल जाए। यहां से वापस तशरीह ले जा रहे थे तो पकली के मकाम पर आपका 786 हिजरी में इंतकाल हो गया, और जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने आखिरी लम्हे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और किसी शायर ने कहा दमे आखर गुफ्त व तारीख शुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी लम्हे जो आपने बे इख्तियार कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आपका साल वसाल भी हो गया, क्योंकि 786 बिस्मिल्लाह के आदात भी बनते हैं, बिस्मिल्लाह के आदात भी 786 हैं। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो यही आपका सने वसाल भी आदाद में हो गया। तो यहाँ जब वसाल होगा, शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, जब आपका वसाल हो गया तो जो पखली हज़ारे में मैं वहाँ हाजिर हुआ, वहाँ आपका वसाल हुआ, और वहाँ जब वसाल होता है तो सुल्तान पखली खिजर शाह ने यह कहा कि हम तो हजरत को यहाँ दफन करेंगे। कश्मीर के बादशाह को पता चला कुतुबुद्दीन ने, वहाँ से उसने वफद भेजा कि नहीं हजरत को तो हम यहाँ मदफून करेंगे, यहाँ मज़ार बनाएंगे। आपके मुरीदीन ने कहा जो शख्स आपके इस चारपाई ताबूत को उठा ले उसी के मर्जी के मुताबिक आपका दफन होगा। तो जो कश्मीर से वफद आया था उन्होंने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो चारपाई नहीं उठा सके। उसके बाद खिजर शाह का जो वफद था वो भी बहुत सारे, उन्होंने भी चारपाई उठाना चाहिए, चारपाई नहीं उठ सकी। फिर आपके मुरीदीन में सिर्फ दो अफराद ने आपकी चारपाई ताबूत उठाया तो वो चारपाई उठ गई। आपने कहा फिर ये हमारी मर्जी के मुताबिक जिस तरह हम चाहेंगे वैसे दफन होंगे। यहां से आप के मुरीदीन आपको ले गए, कंधों पर उठा के आपका ताबूत ले गए, 6 महीने मुसलसल सफर में रहे। आप जरा वलायत का अंदाजा करें ना, वह मन हसन कौल मिम्मन दा इलल्लाह, उससे बेहतर कौन हो सकता है कि जिसकी जबान से हमेशा दावत अल हक जारी रही, और जो अपना सर तस्लीम खम किए रहा, जो खुदा के सामने झुक जाता है खुदा उसको वो सरफराजी अदा फरमाता है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते।
और हज़रत शाह हमदान ने जिस तरह अपने आप को मारा और जिस तरह आज ये इंकसारी का इजहार किया कि एक मरतबा आपके कुछ मुरीदीन अपनी अपनी कुछ करामतें बयान कर रहे थे तो आप तशरीफ लाए, आपने कहा मैंने तुम्हारी बात सुनी है, याद रखो मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कभी अपनी मर्जी से करवट नहीं बदली है, मैंने आज 40 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को किसी कुत्ते से बेहतर नहीं समझता। ये तो तवाज़ो थी, ये आजी और ये इनकसारी थी। अब उसकी उसकी बंदा नवाजी देखें, ये तो आज ही इनकसारी इधर थी, अब बंदा नवाजी देखें कि 6 महीने तक मुसलसल सफर में रहे, 6 महीने तक आपका ताबूत आपके अकीदमंदों के कंधों पर रहा, लेकिन अकीदमंद कहते हैं कि आपके ताबूत से आपके जस्ते अक्दस से खुशबू आ रही थी, जस्ते अक्दस से खुशबू आ रही थी। तो यहां से सुल्तान खिजर शाह ने अपना भाई साथ, अपना बेटा साथ भेजा और वो ताबूत को ले जाके खुतलान में छोड़ के आए और वहाँ पर हजरत शामदार रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ मज़ार मुबारक है। उनके अनवारात तजल्लियात से आज भी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और सरजमीन कश्मीर में अगर हजरत शाह हमदान ना आते तो आज शायद कश्मीर में दीन की ये सूरत हाल न होती। कश्मीर में हजरत शाह हमदान की कोशिशों की वजह से आज तहरीक कश्मीर शुरू है और ये तहरीक कश्मीर जब 1931-32 में शुरू हुई उस वक्त भी खानकाह मौला श्रीनगर ये वही मकाम है जहां आप 700 मुबल्लिगीन को लेकर के तशरीफ फरमा हुए थे। अब्दुल कदीर खान ने इसी खानकाह मौला में ही एक डोगरा साम्राज्य को ललकारा था और ये जो मौजूदा तहरीक है इस तहरीक का आगाज भी खानकाह मौला श्रीनगर से हुआ है। तो खानकाह मौला श्रीनगर हज़रत शाह हमदान का जो एक तरह से मस्कन भी था और आपकी चिल्लागाह भी थी, यही वो मकाम है जो आज भी कश्मीरियों के लिए हरम की तरह से मोतबर है। और आज ये कैफियत है कश्मीरियों की, जो हजरात मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि अगर कश्मीरियों में कोई तनाज़ा हो जाए और कोई आदमी अपनी गलती तस्लीम ना करे तो कश्मीरी ये करते हैं उसको पकड़ कर ले जाते हैं कि चलो खानकाह मोहल्ला में जाओ। तो कश्मीरी हर जगह तो झूठ बोल सकता है लेकिन खानकाह मोहल्ला में जाके कभी कोई कश्मीरी झूठ नहीं बोलता, इस कदर अकीदत एहतराम है। और आज भी औरात फतिया कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद में पढ़े जा रहे हैं और उन औरात फतिया की बरकत थी कि तवील डोगना साम्राज्य के उस तसल्लत के बावजूद आज भी कश्मीर अपनी पूरी आबोताब के साथ वहाँ जिंदा है और आज कश्मीर के मुजाहिदीन खून की कुर्बानी और नजराने पेश करें, यह हजरत शाह हमदान का ही फैज़ है, ये वही फैज़ जारी और सारी है। हमने ये महसूस किया कि हज़रत शाह हमदान की यहाँ बहुत बड़ी कश्मीर में खिदमात हैं और कश्मीर में एक दफ़ा मुजफ्फराबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में शाह हमदान चेयर कायम करेंगे। वो शाह हमदान चेयर आज तक कायम नहीं हुई लेकिन हमने ये महसूस किया कि हज़रत शाह हमदान की चूंकि बहुत बड़ी खिदमात हैं उन खिदमात को पेश नज़र रखते हुए यहाँ उनके नाम से काम होना चाहिए। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि वो कश्मीर में एक आम इलाका रावलाकोट पुंछ के नाम से जो मशहूर है वही जिस सरजमीन में हज़रत शाह हमदान ने यह बीज इस्लाम का डाला था वहाँ एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 800 अफराद दीन से बरगश्ता हो गए। लेकिन चूंकि सोसाइटी का प्रेशर है कोई आदमी ये बात कहता नहीं है लेकिन दरोने खाना एक सर्वे मुझे बड़े ऑथेंटिक जराए से पता चला 800 अफराद तो ऐसे हैं तकरीबन के जिन्होंने दीन इस्लाम को माजल्ला तर कर दी और बाकी जो फजा है वह हर तरफ बदअकीदगी है। वो सूफिया जिनके जरिए से दीन फैला, वो सूफिया जिन्होंने इस सरजमीन में दीन की शमा फरोजा की, आज उन सूफिया का नाम लेना भी रावलाकोट की सरजमीन में एक जुर्म से कम बात सवर नहीं की जाती थी। उस सरजमीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत शाह हमदान के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया और वो उसका सिलसिला हमने आगे बढ़ाया और हमने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ हज़रत शाह हमदान के नाम से एक मुस्तकिल एक जामिया कायम किया जाए और उसके लिए हमने ट्रस्ट कायम करके मैं सबसे पहले यहाँ हाजिर हुआ था। आप हजरात की खिदमत में शायद आपको याद होगा लोग मुझे कहते हैं कि जामिया शाह हमदान के बानी आप हैं लेकिन मैं ये समझता हूं कि जामिया शाह हमदान का बानी मैं नहीं हूं, इसके असल बानी हजरत अल्लामा कारी खादिम हुसैन साहब और आप नगीना मस्जिद के नमाजी हैं। मैं पहली दफा यहां आया हमारे पास सिर्फ एक प्लांट और 500 रुपए थे और सच्ची बात यह है अगर आपकी इस सरजमीन से इस मस्जिद से यह तामन ना मिलता, कारी साहब की यह मुखलिसाना सरपरस्ती ना होती तो शायद मैं वापस जाके इस मंसूबे से दस्तकश हो जाता,
क्योंकि आलम असबाब में इस तरह के तालीमी मनसूबे चलाने के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत थी वो वसाइल मेरे पास नहीं थे। खुदा आप हजरात पर करोड़ों नेमतें रहमतें नाजिल करे और आपको दीन दुनिया की सरबुलंदियाँ और सुरखियाँ अता फरमाए कि आपने हजरत शाह हमदान के नाम से कायम होने वाले उस इदारे के लिए हमेशा दिल खोल करके आपने तामर फरमाया। ये आप ही का तामन था कि हमने जो सफ़र शुरू किया था हमारे पास कुछ नहीं था और कारी साहब ऐलान फरमाया करते थे कि ज़मीन ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ ज़मीन भी ले ली, 8 कनाल ज़मीन ले करके हमने सदर आज़ाद कश्मीर से उसका संगे बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह रखवाया है और इस साल इंशाअल्लाह जुलाई में हम मैट्रिक पास तलबा को वहाँ दाखिल करेंगे जिसमें जितने गरीब तालिबे इल्म हैं उनको फ्री तालीम दी जाएगी और इंशाअल्लाह जहाँ दुनिया दीनी तालीम होगी वहाँ कंप्यूटर की तालीम भी होगी, वहाँ इंशाअल्लाह दूसरे उलूम भी उनको सिखाए जाएंगे और इंशाअल्लाह इसी साल नवंबर में हम नर्सरी के दाखिले भी करेंगे जिसमें बच्चों को नर्सरी से हम कंप्यूटर भी सिखाएंगे और इंशाअल्लाह अरबी जबान भी सिखाई जाएगी और दुनियावी उलूम भी मियारी अंदाज में सिखाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आप हजरात का हमारे साथ बेमिसाल तावन है, इस शाह हमदान जामे शाह हमदान की बुनियादों में आप हजरात का तावन मौजूद है। अल्लाह इसको मंजूर और मकबूल फरमाए, आपकी इस इखलास के सदके में हमें भी ऐसा ही इखलास अता फरमाए। हमने ये देखा कि आपकी इस मस्जिद में बार दफ़ा एक ही सीजन में दो दफ़ा हमारे लिए कलेक्शन हुई लेकिन आपकी पेशानी पर कभी हमने बल नहीं देखा। ये आपका वो जो ताल्लुक था हज़रत शाह हमदान के साथ, उन सूफिया के साथ और उस सरजमीन के साथ, ये उसका मज़र है। हम भी कोशिश करते हैं कि सिलसिले को हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं। आप भी जब कभी कश्मीर तशरीफ लाएं तो ज़रूर रावलकोट आएं। वो पौधा जिसके लिए बीज आपने डाला था वो अब पौधे की शक्ल में सामने आ रहा है। आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह आपकी आंखें भी ठंडी होंगी और आप महसूस करेंगे कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया था वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आगे बढ़ गया है और अब वो दरख्त बराबर होना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला आप हजरात की इस बेमिसाल खिदमत को अपने दरबार में मंजूर और मकबूल फरमाए और हमें भी इखलास के साथ दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। सब हजरात बैठे रहे, पहली अजान अभी नहीं हुई, उसके बाद फिर सुनते हैं। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौजूआत पर उलमाए इकराम की बसीरत अफरोज तकारीर, कुर्रा इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाजरों के आडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तियाब हैं। पोठोहारी अशार कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर, 10 कॉर्लाइल रोड, नज़दनपिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड 8, टेलीफोन 480327 और 7775721।